मुझे पर्सनली मियावाली वाली पसंद, पसंद है, है।, पसंद है। के करें। <laughs> नहीं मुझे नहीं है। समझ भी नहीं आती, आती सर आई वाले मेरे वीडियो डायरेक्टर असद प्रोडक्शन दोस्तों ची तरह पता है मुख्तलिफ शख्सियात गल बात करवाने

ता आ, इस टाइम साढ़े कोलो एक ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਲਖਿਲਾਤਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬ ਹੁਣ 68 ਘਿੰਨੀ ਪਈ ਤੇ 68 ਟੀਚੀ ਸਰੇਕੀ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਐਜ਼ ਆ ਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਲੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵੈ ਨੇ

मतलब तो मैं, मैं ये मैं कहना, कहना चाहूँगी कि मियाँ वाली, वाली के लोग, लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं और बहुत मीठे लोग हैं जिज्जत वाले प्यार, प्यार देने वाले, वाले, वाले और, और, और काफ़ी रिस्पेक्ट करने वाले, वाले लोग हैं तो मैंने अपना, अपना फ़र्स्ट सराकी सॉन्ग भी इसीलिए रिकॉर्ड करवाया कि मुझे पर्सनली मियाँ वाली पसंद है और मैंने अपने वीडियो शूट के लिए भी जो लोकेशन है वो भी मियाँ वाली की सिलेक्ट की है सो बस आप, आप, आप काफ़ी जैसे आपकी रहन सहन या लुक से लगता है कि कोई और जबान यानी कि आज आजकल म्यूज़िक बहुत फास्ट है श्रेकी में भी फास्ट आ गया रिमैक्स आ गया है लेकिन की चूज़ करने का कोई मकसद, कोई वजह कोई और लैंग्वेज या किसी और जबान में गाना क्यों नहीं और मैंने सरकी ज़बान इसलिए सेलेक्ट की है कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सिंगर्स हैं जो सराकी ज़बान नहीं समझते इवन के बोल भी नहीं सकते फिर गे। गे। भी वो सराइकी सॉन्ग गा रहे हैं और पसंद कर रहे हैं गे। 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 हमारे पाकिस्तान को छोड़ के आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी सराई की ज़बान काफ़ी मानी जा रही है लोग खुशी से सुनते हैं सो इस वजह से मैंने अपना सॉन्ग फर्स्ट इसीलिए सराकी ज़बान में रिकॉर्ड करा क्योंकि बाद बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जिन्हें तकरीबन क्लियरली वो बोल, बोल, नहीं, बोल सकते। नहीं सकते लेकिन, लेकिन वो तो, तो आपका एक्सपीरियंस है इस रेकी में गपशप गप करने का नहीं मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है बातचीत करने का इवन की मुझे समझ भी नहीं आती सराय की काफ़ी बड़ी सिंगर्स हैं जो सराय की यानी कि उनको मादरी जबान नहीं है या उनकी इतना अटैचमेंट सराय की से नहीं है लेकिन वो अच्छा गाते हैं और लोग उन्हें सुनते भी ज्यादा हैं जैसा कि अफशा जेबी उमेरा चना बेग तो कैसे यानी कि आप आ... कोई कोई बादशाह या में करती के, कर के के वो है मैं आपकी मैं बात से बिल्कुल इतफाक रखती हूँ इवन की मुझे सराकी बोलनी नहीं आती और समझ भी नहीं आती क्या बात करते हैं क्या नहीं तो बस मुझे करने वाले मेरे वीडियो डायरेक्टर असद प्रोडक्शन हैं और उन्होंने ही मुझे ये मतलब फर्स्ट टाइम ये कहा था कि आप सराकी सॉन्ग गाएं तो आपकी आवाज़ काफी अच्छी है और मेरा सिंगिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं था तो बस, बस मुझे सपोर्ट करने वाले वही है तो वैसे लगाव है कि अगर कहीं, कहीं पर कोई आ, आप इधर मियाँ जब आई हैं तो इधर तो यानी कोई झुंड में कहीं हो शप हो रही हो में। ठीक है कहीं गैदरिंग में, तो वो अच्छी, वो अच्छी लगती है कि वैसे कि ऐसे ही लगे हुए हैं ऐसा तो नहीं, नहीं, नहीं काफी फनी जबान है ये बातें इन सबकी सुन के मतलब काफी अच्छा माहौल चिल माहौल तो कभी, तो कभी कोशिश की, की है बोलने, बोलने की, की, की एक आध लफ्ज अगर जो आपका फेवरेट हो सी का वो सराकी का सारे मतलब गपशप कर रहे होते हैं लेकिन मैंने ज्यादातर जो अल्फाज सुना है वो यही है और जो मुझे पर्सनली पसंद भी है

वेलकम बैक जीत नादरीन जीअं थो चङी तरह पते आजली साॾी महिमान एज़ा शाह नवें गाणा हिननि इनशा नीब थोॾियां समातनि नी। नजर हो सी ता उनकी मखमूर निगाहों के करिश में तोबा पाक बाजों को भी मैखार बना देते हैं और पे बपे जुल्मों से तम राह मोहब्बत में कमर एक इंसान को फनकार बना देते हैं ता कैसे, कैसे यानी कि किस तरह ये स्टार्ट लिया आपने सिंगिंग का बचपन से शौक था या फैमिली आ, में आ, किसी की चॉइस थी कि सिंगिंग की तरफ थोड़ा सा लगाव होना चाहिए किस तरह इस फील्ड में सॉन्ग्स तो मैं बचपन से सुनती हूँ जैसे कि हमारी तरफ बहुत फेमस है अफशा जेबी और शिफ़ाउल्ला रोकड़ी जिशान रोकड़ी इन सब के सॉन्ग्स मतलब मैं सुनती रहती हूँ और मेरी मम्मी को काफ़ी शौक़ था कि मैं सिंगिंग की तरफ जाऊँ लेकिन मैंने जहाँ से स्टार्ट किया है वो मुझे सपोर्ट करने वाले असद प्रोडक्शन तो उन्होंने ज़्यादा मतलब कि मुझे स्पोर्ट किया और पर्सनली जो मैंने अपने सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करवाई है वो लाहौर बहुत स्टूडियो से करवाई है थी और मेरे साथ कंप्रोमाइज किया है किटू भाई ने पापा भाई ने और अकरम भाई ने सो so, मैं थैंक यू उन्हें करना चाहूँगी और बहुत शुक्रिया तो यानी कि बचपन ही से थी शौक भी था आपको और जैसे आप कह रही हैं कि वालदा साहब ये भी था कि आप सिंगिंग की तरफ आए तो इतना अरसा कभी आप गा रही हो किसी शख्स ने कहा हो कि यार रहने दे तू इस तरह का कोई सीन नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब अपना ही तारीफ की सबने, सबने तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह आवाज ही इतनी अच्छी है हमने सुना है तो ये, ये तो, तो बिला इख्तियार तारीफ हो जाती है तो, तो इसके अलावा कोई और यानी के सरेकी के अलावा किसी और जबान में गाने का चॉइस हो आपकी दिल हो इंडियन पंजाबी सॉन्ग उनमें मैं इंटरेस्टेड हूं इंडियन पंजाबी सॉन्ग ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਵਾਲਾ Song ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਦਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਨਾ ਜੀਤਾ ਨਾਜ਼ਰੀ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇਖਣੇ ਪਇਓ ਤਾਂ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੀਆਂ ਆਲੀ ਤੁਰਕਾਟ ਡੇ ਮੀਆਂ ਆਲੀ ਚ ਸਿੰਗਰ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਅਸਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹਿਮਤ ਸਾਰੇ तकरीबन ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾਈਟ ਸਿੰਗਰ ਨਹਿਮਤ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਇੱਥੇ ਚੀਨੀ ਭਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦੂ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਅਦਰ ਸ਼ਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਊ ਗਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿਕਟਾ ਮੇ ਦਚੋ ਲਾ ਉਤੇ ਸਤਾਰ ਰਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕਲਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਪੇ ਚੱਲ ਲੰਗਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚਿੱਟਾ ਮੇਡਾ ਚੋਲਾ ਉੱਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸੱਤ ਰੰਗ ਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਦੇ ਝਟ ਲੰਗਦੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ਦਾਵਾਨਾ ਝਣਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸੀ बेहतरीन म्यूजिक बहू जी स्टूडियो नहीं लाजमी सुनना इनशा अन करीब एक गीत रिलीज थी, थी। तो माशाल्लाह से आपने कदम रख दिया इस की फील्ड में आपका पहला गाना बहुत जल्द रिलीज होने वाला है तो किसकी शायरी है इसमें किन के अल्फाज हम सुनने वाले हैं आपके मुंह से ये मुझे अकरम ने गिफ्ट किया है और पर्सनली मुझे इसके हैं और काफी अच्छा तो सिंगिंग के हवाले से बातचीत हो रही है थोड़ा सा इनसे और भी बातें होंगी इस फील्ड के अलावा और चीज़ में लगा हो सिंगिंग मुझे टी वी सी में जाने का बहुत शौक है मतलब कि मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं ड्रामों में काम करूँ पाकिस्तान तो ट्राई कभी एक्टिंग की कि फिलहाल इरादा, इरादा है इस तरफ आई नहीं है सीरियस फिलहाल इरादा है, है।, इरादा है। आगी। 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 तो यानी कि सुनने वालों को यह भी जहन में रखना चाहिए कि चिट्टा मेरा चोला के बाद जो है ना शायद आप जियो न्यूज या हम टीवी के किसी ड्रामा में भी सिंगर एजा शाह को एज ए हीरोइन देखें देखे। देखे। ऐसा ही है ना बिल्कुल ठीक है तो और यानी कि काफी सिंगर्स हैं हमारे श्रेकी के, के जैसे के के आप पहले कौन सा जिसका गीत आप ज़्यादा यानी कि लगाव से सुनती हो कौन सा सिंगर आपका पसंदीदा पाकिस्तानी सिंगर पाकिस्तानी सिंगर जैसे श्रेकी के जिशान रोक जिशान रोखड़ी तो जिशान रोखड़ी का कौन सा गीत कल्ले सोंग है उसका बहुत मुझे पर्सनली पसंद है जी तो, तो नादरीन सिंगर एजा शाह हमारे साथ मौजूद हैं तो इनसे ये पूछेंगे कि जैसा कि ये बता रही थी कि मेरी वालदा की भी ये ख्वाहिश थी कि मैं सिंगिंग की तरफ आऊँ और आ, जो है ना अपना भी मेरा बचपन से ये शौक था सिंगिंग के तो किस तरह यानी कि बहू जी स्टूडियो तक आप ऐसे तो किसने आपको सुना या कोई ऐसा बंदा होगा जिसने आपको ये मशवरा दिया होगा कि आप वहाँ जाए आपकी बात अच्छी है तो ये इसके पीछे भी कोई जो है ना किस्सा स्टोरी होगी वो थोड़ा सा हमें जी जी बिल्कुल मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी आ, मेरी तो फर्स्ट मुलाकात हुई थी सिंगर नहमत न्याजी, न्याजी से तो, तो एक साथ खाने पे हम लोग इकट्ठा हुए तो मैंने उन्हें सॉन्ग सुनाया था सिंगर तो नहमत न्याजी, न्याजी को तो उन्होंने कहा कि मैंने आपसे डुएट करना काफ़ी कर 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 अच्छी आपकी, आपकी आवाज़ है तो फर्स्ट सजेशन मुझे उन्होंने दी थी कि आप सिंगिंग की तरफ आए जी तो नाजरीन जैसे बता रहे थे कि सिंगर नेमत ने आज ही आवाज सुनी इनकी तो इस तरह इन्होंने पहला गाना जो आपकी सामने बहुत जल्द रिलीज होगा तो उनके मशवरे से और उनकी सारी गाइड की वजह से आप इस तरफ आए तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे जो मुंतजिर हैं आपके आने वाले गीत के और वैसे भी जो है ना जो आपके फैन है चाहे वो टिक टाक पे यूट्यूब उस पे भी, तो उनके आप क्या कहना पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि सराकी बहुत मीठी जुबान है बहुत अच्छी जुबान है सराकी के लोग काफी जीसत वाले हैं प्यार देने वाले हैं जिस तरह मुझे प्यार मिला आप सब लोग भी सरायकी की तरफ आए और अपना रिस्पांस दे उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इसी तरह प्यार मिलना है और लास्ट यही कहूँगी कि गाइस जो मेरा सॉन्ग आ रहा है उसको आगे, आगे शेयर करें बढ़ाएं उसे जितना हो सके लाइक करें शेयर करें, करें सब्सक्राइब करें, करें थैंक यू जी शुक्रिया शुक्रिया स्पेशली मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमार सर और सर की एम टी वी थैंक यू हमारा बहुत अच्छा चैनल है असद प्रोडक्शन के नाम से यूट्यूब पे प्लीज़ उसको आप लाइक करें शेयर करें आगे जितना हो सके उसे बढ़ाएं थैंक यू ਜੀਤ ਨਾਜ਼ਰੀ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਡਿਠੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਐ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿੰਗਰ ਐਜ਼ਾ ਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਚਿਟਾ ਮੇਡਾ ਚੋਲਾ ਉਤੇ ਸਤਾਰੇ ਸੱਤ ਰੰਗ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚੋਂਕੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇਖਨੇ ਪਇਓ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰੇਕੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਹੋਣੀ ਏ ਉਸ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਦਿਲ ਕਾ ਸ਼ਦਾਵਾ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰੇ ਸੁਣ ਸਿੰਘ ਰੈਜ਼ਾ ਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਕੋ ਘਿਨ ਕੇ ਜੇ ਲਿਆ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਮਾਰ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ लाज़मी फॉलो करण सारे पेज को ते दोस्ता नाल ई शेयर करण तव्हांखे जहिड़े थोरे दोस्त अॼु सरकी केम टी वी ना हिसा निन बणे उहो सारी कंहिं वीडियो तो रह न वञण लोक ख़ैर जोकर दाला पाव